हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ विंसो फैन फिक्शन लेके आई हूँ, जिसमें लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो गु शेंग होती है वो चिढ़ाते हुए वेनकिशिंग को बाहर निकल जाती है और वो सारे तंदूरी के लिए लड़ रहे होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डे निकलता है, वो सारे खा पी के नेक्स्ट डे जो है अपनी कल्टिवेशन के लिए शुरू करते हैं। इस बार जो सोनाघली ने हमारे जोज इशू को एक स्क्रिप्चर दिया होता है जिसे वो पढ़कर वेनकिशिंग की हेल्प कर सकता था कल्टीवेशन में, वो दोनों मिलके उस कल्टीवेशन को कंप्लीट करते हैं। वो दोनों मिलके कल्टीवेट करना शुरू करते हैं और वेनकिशिंग ने कहा था वो नियर बाय एक गुफा होती है उसमें जाके कल्टीवेशन करना चाहते हैं क्योंकि उस गुफा में बहुत ज़्यादा शांति होती है और स्पिरिचुअल पावर्स बहुत हाई होती हैं। अगर वो वहाँ कल्टीवेट करेंगे एक शांति प्रिय जगह में और जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होगी और उनके कल्टीवेशन को एक अलग लेवल का कल्टीवेशन करने को मिलेगा, ऐसी जगह उनके कल्टीवेशन को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकती थी और स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग ही वो कल्टीवेट किया करते थे। जोज इशू भी वेनकिशिंग के साथ बैठ के कल्टीवेशन किया करता था क्योंकि उन दोनों के अंदर ही अभी बहुत सारे चेंजेस और उनकी बॉडी डिफॉर्म होके अलग लेवल की कल्टीवेशन में जाना चाहती थी। वेनकिशिंग को जो है जोज इशू पूरा हेल्प किया करता था और वेनकिशिंग इस वक्त शांत दिमाग के साथ कल्टीवेशन पे अपना ध्यान दिया करता था। उन दोनों ने अब तला भुना और सारी तरह के खाने को अवॉइड कर दिया था। वो लोग पानी, फल फ्रूट और बॉयल खाने पे ही अब जीते थे क्योंकि यही टाइम था जब वो अपने कल्टीवेटेड पावर को निकाल सकते थे अपनी बॉडी के अंदर से। कभी कभी चोरी छुपे हमारा वेनकिशिंग तंदूरी खा लिया करता था। वेनकिशिंग के जो है वो दोबारा से कल्टीवेट एक हफ्ते तक करता है और उसके बाद फिर से वो अपने पंख को निकाल पाता है। इस बार भी उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था लेकिन वो पेन उसके लिए बेयरेबल था क्योंकि अब वो एंगर इश्यूज से डील नहीं कर रहा था। इस वक्त वो पूरे काम होकर पूरे ठंडे दिमाग के साथ पूरे कल्टीवेशन को परफॉर्म करता है जो कि उसके लिए लेस पेनफुल होता है। जोज इशू भी उसकी पूरी हेल्प किया करता था। जोज इशू भी थोड़ी थोड़ी जो है अपनी इंटरनल एनर्जी को, गोल्डन कोर को डेवलप करने लग गया था और वो दोनों मिलके बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते थे। स्पेशली वो किसी बांस के जंगल में जाकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया करते थे, जैसे कि साथ में उड़ना, बहुत देर तक अपनी गोल्डन कोर को मेडिटेट करना, उसकी शक्ति बढ़ाना और उससे जो है तलवारबाजी की जो है प्रैक्टिस किया करते थे। वो दोनों के दोनों सिक्स कॉम्बैक्ट जो उनकी मार्शल आर्ट होती थी उसे परफॉर्म करने की पूरी कोशिश किया करते थे। वो दोनों साथ में बाल्टी उठाकर मीलो चलने की प्रैक्टिस करते थे, अपने हाथों को एक सिदाई में रखकर एक डंडे को पकड़ना जिसके दोनों छोरों पे दो भरी भरी बाल्टियाँ बंधी होती थी उससे वो लोग सीधे हवा में उठाकर प्रैक्टिस किया करते थे और ना जाने कितने डंडों के साथ ईंटें बांधकर वो उसे पुशअप्स करने या फिर बहुत सारी चीज़ों को करने में इस्तेमाल किया करते थे। वो लोग कंधे पर चीज़ों को उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे और फिर वहाँ से उसे वापस लेकर आने में भी हेल्प करते थे। वहाँ पर थोड़े से एरिया में पहाड़ जैसी ऊँचाइयाँ होती थी तो वो उस पहाड़ पर चलने, उस पहाड़ पर बहुत बड़े बड़े हैवी हैवी चीज़ें उठाकर ले जाने, वापस लेके आने और कितनी तेज़ी से वो पहाड़ पर चढ़ते हैं और कितनी तेज़ी से उतरते हैं, इस तरह की गति माप कर वो दोनों आपस में सब चीज़ें ट्राई किया करते थे और एक दूसरे से जो है हमेशा कंपैरिजन करते थे कि कौन पहले फास्ट करेगा। और वो लोग एक पतली सी दीवार बनाकर ईंटों की लंबी सी उस पर चलने का प्रयास किया करते थे ताकि वो अपनी कल्टीवेशन, अपने माइंड और अपनी बॉडी को स्थिर रख सकें। वो एक चीज़ पर फोकस कर वो अपनी शक्ति और अपने माइंड को एक जगह स्थिर कर सकें। वो लोग बहुत देर तक हर चीज़ की प्रैक्टिस किया करते थे। वो लोग धीरे धीरे जो है हमारे बांस के पेड़ों पर चढ़ने भी लगे थे। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जब पानी में जाते तो स्टोन पर कूद कूद कर भी जाना चलकर सीखने लगे थे। वो लोग कभी कभी एक जगह पर माया जाल बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया करते थे। अभी उनकी चीज़ें बहुत मजबूत नहीं होती थी पर वो धीरे धीरे हर चीज़ की प्रैक्टिस करने लगे थे ताकि वक्त आने पर उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा मजबूत हो। ऐसा नहीं था कि उनके फेलियर नहीं होते थे गाइस, उनके बहुत फेलियर होते थे। 100 बार वो अटैम्प्ट करते थे तो जिसमें से सिर्फ 5 बार ही वो ढंग से अटैम्प्ट कर पाते थे, बाकी 95 बार वो तरह तरह तरीके से गिरते थे, पड़ते थे, उन्हें बहुत चोट भी आती थी लेकिन वो हमेशा
जब भी गिरते थे तो वो एक चीज़ सीखते थे कि हमारी यहाँ पर ये कमी रह रही है, क्योंकि जब तक हम गिरेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा हमारी कहाँ किस चीज़ की कमी रह रही है। वो अपनी हर गलती से हर चीज़ सीखते थे, और ना जाने कितने कितनी बार वो लोग जंगलों में ही घूमते रहते थे। वो जंगलों में औषधि के बारे में भी पढ़ते थे कि कौन सी औषधि कब कहाँ काम आ सकती है, क्योंकि सोना गली के पास हज़ारों साल से लुप्त हुई चीज़ों के भी स्क्रिप्चर मिल जाएंगे, क्योंकि सोना गली बहुत ही विश्वास पात्र इंसान थी और वो जानती थी वो ऐसी चीज़ों को कभी भी किसी के हाथ नहीं लगने देगी। अभी भी उसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लोगों से छुपाए हुए थे, लेकिन वो इन दोनों बच्चों को हर स्क्रिप्चर का ज्ञान इसलिए देना चाहती थी, ऑलमोस्ट हर स्क्रिप्चर, सारे ही नहीं बट ऑलमोस्ट वो हर स्क्रिप्चर का ज्ञान इन बच्चों को इसलिए देना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था शायद ये बच्चे आगे चल के इस पूरी दुनिया का उद्धार कर सकते हैं, और वो उन बच्चों को हर तरीके का ज्ञान देना चाहती थी। वो इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक मास्टर तो नहीं थी, लेकिन वो हर तरीके का ज्ञान उन बच्चों को देकर उन बच्चों को इस आने वाले टाइम में जो है मास्टर बनाना चाहती थी हर चीज़ में, ताकि वो इस दिन दुनिया से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। ल्यू चिनचाओ भी उन बच्चों की हर चीज़ में हेल्प करती थी, वो पूरा सेटअप बिठाती थी ताकि वो बच्चे घंटों तक वहाँ प्रैक्टिस कर सकें। वो उन बच्चों से एक पिट यानी कि एक खड्डा खुदवा कर, जो कि कभी कभी 40-40 फुट भी उन्हें पूरे दिन में खोदने को कहा जाता था, और उसके बाद वो खड्डा उन्हें एक ही दिन में खोद कर भरना भी होता था। ऐसे करते 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 वो उन बच्चों से वो जो खड्डा होता था वो कम से कम उन्होंने ऐसे 5 से 6 खड्डे खुदवाए, ताकि वो बच्चे जो हैं एक बार उस चीज़ को जब सीख ले तो उन्हें इजी वे पता हो किसी काम को करने का। वो एक काम को बच्चों से कम 10 से 20 बार करवाते थे ताकि बच्चे उसमें एक्सपर्ट हो जाए और उन्हें पता हो किस काम को कितनी जल्दी करने के लिए कितना वक्त चाहिए होता है। वो हर चीज़ में बच्चों से रिपीटेडली हर चीज़ करवाना चाहते थे। वो बच्चों को ईंट बनाने से लेकर चूल्हा जलाने, खाना बनाने, हर चीज़ में एक्सपर्ट बनाते थे। रात में दोनों बच्चे बहुत थक जाते थे, कभी कभी पहाड़ पर जाकर वनकशिंग अपने पंख निकाल के उड़ने की भी प्रैक्टिस करता था, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता था। वो पहाड़ की बिल्कुल ऊँचाइयों पर जाकर नहीं कूदता था, क्योंकि उसे पता था वो ज़मीन पे गिरा तो उसे काफ़ी चोट आएगी। वो पहाड़ के आसपास जाल बांध देता था कि अगर वो गिरे भी तो उसे ज़्यादा चोट ना आए। सोशु भी उसकी नीचे से हेल्प किया करता था। स्कॉर्पियो किंग, ल्यू चिनचाओ, ये सब मिलके एक जाला सा बूंद देते थे, जिसकी वजह से वनकशिंग जो है उसे ज़्यादा चोट नहीं आती थी। हल्की फुल्की खरोचे तो हर किसी को आती है, और धीरे धीरे करके जो हमारा वनकशिंग होता है वो अपने ड्रैगन के बेबी पंक्स को निकालना, उन्हें कंट्रोल करना सीख रहा था। और ऐसे करते करते वनकशिंग का एक और साल बीत जाता है, और अब वो 11 साल के हो जाते हैं। उसका आज बर्थडे होता है, वो अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहा होता है, पूरा दिन निकल जाता है। वो बहुत एक्साइटेड था सुबह से लेकर शाम तक कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने आएंगे, वो उन्हें ज़ोज़ुशु से मिलवाएगा और उनसे बात करवाएगा। उसके पेरेंट्स पिछले कितने सालों से उससे मिलने हर बर्थडे पे आते थे, पर इस साल कोई भी नहीं आता। ज़ोज़ुशु को बहुत बुरा लगता है, वहाँ पर सबने बहुत सारी प्रिपरेशन की होती है लेकिन ज़ोज़ुशु का मन बिल्कुल नहीं लगता, और वो चुप करके अपने रूम में चला जाता है। ज़ोज़ुशु को उस दिन वनकशिंग को उस दिन बहुत बुरा लगता है कि उसके पेरेंट्स नहीं आते। आज उसका बर्थडे था, उसके पास ज़ोज़ुशु था, उसने ज़ोज़ुशु को अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ बताया होता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए कैसे करते हैं, उसे मिलने आते हैं, उसकी मदर कैसी दिखती हैं, उसके फादर कैसे दिखते हैं। लेकिन आज उसे बहुत निराशा होती है जब उसके पेरेंट्स उसे मिलने नहीं आते। वो बहुत रोता है, ज़ोज़ुशु उसे मनाने के लिए जाता है, तब वो ज़ोज़ुशु के भी कंधे पर पहली बार फूट फूट कर रोता है और कहता है, मैं सच में माँ और बाबा से मिलना चाहता था। वो साल में सिर्फ एक बार मेरे बर्थडे वाले दिन ही आया करते थे, आज वो भी नहीं आए। कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो, मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें सीखनी होगी, और 18 की उम्र तक मुझे फटाफट से, जब तक मैं एक एडल्ट नहीं दिखता तब तक मुझे हर चीज़ सीख कर अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। मुझे नहीं पता वो ज़िंदा है या नहीं, मुझे उस ब्लैक होल में जाकर अपने लोगों को बचाना होगा। ज़ोज़ुशु, मुझे वो किसी भी कीमत पे उस पर्ल को ढूंढना है, और मैं जानता हूँ मेरे आगे बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूँगा। क्या तुम मेरा हमेशा साथ दोगे ना? तुम तो मुझे नहीं छोड़ोगे ना ज़ोज़ुशु?
आज मम्मी पापा भी नहीं आए, आज माता पिताजी बिल्कुल भी नहीं आए। मैं सच में उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरे पास अब तुम हो, ये मॉममेट्स का परिवार है, सोना गली कुशियांग। अब मेरे पास तुम लोग ही मेरे अपने हो। मैं नहीं जानता मेरी ब्लैक ड्रैगन फैमिली कैसी दिखती है। मैंने सिर्फ माँ और बाबा को देखा है, लेकिन उसके अलावा मैं किसी को कुछ नहीं जानता। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? तो ईशु कहता है, मेरे पास भी सिर्फ एक मेरी माँ थी जो मुझे अपनाती थी, मेरे साथ खेलती थी। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। जब मेरा प्लैनेट पूरा तबाह हुआ, उन्होंने सोना गली के हाथों मुझे यहाँ भेज दिया। लेकिन मुझे नहीं पता माँ बची नहीं बची, क्या हुआ, वो जिंदा है नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। कौन कहाँ है मैं नहीं जानता, वो जिंदा भी हैं या नहीं। उन्होंने मुझे बस एक चीज़ कही थी कि मैं जहाँ रहूँ खुश रहूँ, लोगों की भलाई करूँ और हमेशा इंसानियत के लिए खड़ा रहूँ। मुझे कुछ नहीं पता। और जब मैं यहाँ आया, मुझे तुम मिले, मुझे सोना गली, मुझे लियो चिनचाओ, स्कॉर्पियो किंग, गुशियांग, तुम सबने मुझे इतना प्यार दिया। देखो गुशियांग भी हमसे कितना प्यार करती है, एकदम भाइयों की तरह, और वह बहुत जल्दी जल्दी बड़ी भी हो रही है। कल वो मेरे पैरों के पास तक आती थी और आज देखो मेरे कंधे तक आने लगी है। जल्द ही वो हमारी तरह बड़ी हो जाएगी और हम सारे मिलके इस पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की कसम खाएंगे। इस पूरे वर्ल्ड को, इस पानी की पूरी दुनिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुम्हारे हर काम में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और अगर तुम पे कभी कोई मौत भी आई ना, तो उससे पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा वनखा सिंह, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वनखा सिंह को बहुत बुरा लगता है कि उसके पेरेंट्स नहीं आए, लेकिन वो अब इन मॉममेट्स को अपनी फैमिली बना चुका था। वो उन लोगों के लिए अपनी इस फैमिली को दुखी नहीं कर सकता था जिसने न जाने कितने 100 सालों से उसका ख्याल रखा। और वो सबके लिए बाहर जाता है, वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट करता है, एक मन में दुख तो होता है लेकिन वो सबको खाना वाना खिलाता है, सबके साथ पूरा टाइम बिताता है। और सोना गली उसे खाना खिलाने के लिए सफ़ेद सांप के पास भी ले जाती है, वो सफ़ेद सांप को भी फीड करता है। वो कहता है, मेरे दोस्त तुम भी मेरी तरह इस दुनिया में अकेले हो। सोना गली ने हम सबको सहारा दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए जो मेरे अपने नहीं, लेकिन अपने ना होते हुए भी वो मेरे लिए अपनों से भी बढ़कर हैं। शायद खून का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं होता, जहाँ इंसानियत और दिल के रिश्ते होते हैं। मैं ये चीज़ समझ चुका, ये लोग मेरे लिए जान दे सकते हैं, तो इनको बचाना भी मेरा कर्तव्य है। सोना गली ने मुझे माँ की तरह प्यार दिया, लियो चिनचाओ ने भी, स्कॉर्पियो किंग माना वो बहुत नटखट है लेकिन वो हमारी पूरी परवाह करता है, और गुशियांग वो तो मुझे एक बड़े भाई की तरह देखती है, और ज़ोस ईशु वो मेरा सोलमेट है। मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा और अपने लोगों को भी, पर आज से ये सारे मेरी फैमिली हैं। अगर मदर फादर को मैं बड़े होने पर ठीक से ढूंढ पाया, तो मैं उन्हें भी यहीं ले आऊँगा। मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं पता डेस्टिनी में क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है आगे चल के हम उसे साथ देखेंगे। और वो उस छोटे से सांप को सहलाते हुए उसे खाना खिलाता है और वापस पानी में जाने के लिए छोड़ देता है। ऐसे ही करते करते कुछ साल बीतते हैं। हमारा वनखा सिंह और ज़ोस ईशु बहुत सारी लिपियाँ पढ़ना, उन्हें सीखना, एक साथ एक्सप्लोर करना जानते हैं। धीरे धीरे सोना गली भी उन्हें अपने साथ दूसरे दूसरे पृथ्वी लोक के दूसरे दूसरी जगह, दूसरे दूसरे प्लैनेट पर लेके जाया करती थी और तरह तरह के लोगों से मिलवाती थी। एक दुनिया पूरी पिक की दुनिया हुआ करती थी, जहाँ पर इंसान की तरह पिक चला करते थे, लेकिन उनकी शक्ति, उनके जो पंख होते थे वो बहुत बड़े होते थे। कुछ उसमें डम्प पिक होते थे और कुछ बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे। उनकी दुनिया में थोड़ा कीचड़ रहा करता था और थोड़ी बदबूदार दुनिया होती थी, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हुआ करते थे। ऐसे ही सोना गली उन्हें अलग अलग दुनिया में, घोड़े की दुनिया में और ना जाने कितने लोगों की दुनिया में, यहाँ तक कि नागों की दुनिया में भी वो उन्हें लेके जाती है, जहाँ पे काले रंग के नाग होते थे। नाग बहुत ही शातर किस्म के होते थे, लेकिन बहुत ही लॉयल होते थे। और वो न जाने कितने कितने वर्ल्ड में उन लोगों को घुमाती है। वनखा सिंह हर जगह जो है उस ड्रैगन पर्ल को ढूंढने के लिए निकला करता था।
वो तरह तरह के लोगों से मिलता था, अलायंस बनाता था और वहाँ पर महीना महीना रुककर उनकी हर तरह की मार्शल आर्ट सीखा करता था ताकि वो हर चीज़ को यूज़ कर सके। वो अपने अलायंस बनाता था ताकि जब वो ब्लैक होल के खिलाफ लड़े तब ये सारे लोग उसके काम आए, उसकी फैमिली को बचाएं और अपने अपने प्लैनेट्स को भी। वो जोस इश्यू के साथ उसके प्लैनेट भी जाता है लेकिन उसका प्लैनेट तबाह हो चुका था, वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। जोस इश्यू जब अपने उस प्लैनेट को देखता है तो फूट फूट के रोने लगता है। वो अपनी माँ को और अपने बचपन को याद करता है। तब वनकशिंग उसे गले लगाते हुए कहता है, एक वक्त पे मैं भी ऐसे टूटा था और तुमने मुझे संभाला था, आज तुम हो तो मेरे दोस्त, तुम कभी ये मत भूलना कि अगर वो तुम्हारे अपने थे तो हम भी तुम्हारे अपने हैं। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, याद रखना। जब हम अपना मेरा प्लैनेट मेरे लोगों को बचा लेंगे और तुम्हारे लोगों को बचा लेंगे तब हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तो ऋषि से गले लगता है और कहता है, मैं भी तुम्हें वादा करता हूँ, अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वनकशिंग, मैं अपनी जान ज़रूर दे दूँगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो तुम इस दुनिया को बचाओगे, तुम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे। वनकशिंग उसे वादा करता है कि वो इस दुनिया को, इन सब लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और कभी इंसानियत के खिलाफ कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। और वो सारे के सारे मिलके वापस सोनाकली के साथ अपने शहर आ जाते हैं। ऐसे ही वो ना जाने कितने भ्रमण के लिए कितनी जगह घूमने जाया करते थे और वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा करते थे, क्योंकि जल्द ही जोस इश्यू और वनकशिंग साल बे साल बीतने के बाद 16 साल की उम्र यानी कि 16 की एज तक वो दिखने वाले टीनेजर होने वाले थे और अब धीरे धीरे जो था उन्हें टास्क करने शुरू करने थे ताकि वो ड्रैगन पर्ल को पा सके, जो टास्क बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से भरे हुए थे। उन्हें कम से कम 5 से 10 स्टेजेस से गुजरना था तभी जाके वनकशिंग को वो वाइट पर्ल मिल सकता था। उसके लिए उन्हें सालों का सफ़र तय करना था और दोनों के दोनों अब उस सफ़र को तय करने के लिए तैयार हो चुके थे। और मैं इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और वेंजो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।